तो गुड इवनिंग स्टूडेंट, तो देखो आज मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आ चुका हूं वेक्टर स्पेस का लीनियर कॉम्बिनेशन, है ना। तो लीनियर कॉम्बिनेशन कौन, तो स्टूडेंट बहुत इजी टॉपिक है, तो फर्स्ट हमको एग्जांपल बुझो जी, तापर डेफिनेशन को आ जी, है ना। तो हमने स्टूडेंट u1 वाले वेक्टर, u2 वाले वेक्टर, u1 वाले वेक्टर हमारा 2 - 1 5 और u2 वाले वेक्टर 3 1 6, है ना। तो यदि वो 2 u1 + 3 u2, 2 और 3 कौन कोड स्केलर, है ना। तो तार में कौन कोई करेगा, 2 और 3 बिलोंग्स टू f को बिलोंग करू छी, हला आउ u1 आउ u2 बिलोंग का कर छी वेक्टर को, हला। तो यदि मतलब 2 u1 + 3 u2, तो 2 * u1 u1 जो है वेक्टर का, 3 * u2, हला। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 4 - 2 10 + 3 * 3 9 और हम सम 3 और 18, तो टोटल का ऐड कर ले हम कितना होता 4 9 13 - 2 3 दैट इज योर 1 10 18 दैट इज योर 28, हला। तो ये कैसे रहते हैं, ये जिला को ऐड करेंगे हमें आउटर फैक्टर पाउच, तब वी कैन से v इज़ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ़ 2u1 प्लस 3u2, उस पर स्टूडेंट डी का वेक्टर कुछ जिधर हमें कंबाइन करेंगे कि बस किसी भी मल्टीप्लिकेशन कौन काम है कर कॉल करेगी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन अब एडिशन डी का प्रॉपर्टी यूज़ कर लो। तो जनरली हम वेक्टर स्पेस में डी का प्रॉपर्टी सब लोग अधिक इंपॉर्टेंस दो, फर्स्ट हो चुके कौन है स्टूडेंट एडिशन आउटर विच स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो ये कौन स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन बोथ अप्लाई है, ताले तलो वी कैन से v इज द कंट्रोलर्स वन लीनियर मल्टीप्लाई लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u2 u1 + 3 u2, है ना। डेफिनेशन को एनी वेक्टर v इज सेड टू बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a1 a2 a3 डॉट डॉट an इफ देयर एग्जिस्ट c1 c2 c3 डॉट डॉट cn बिलोंग टू r सच दैट v इज इक्वल टू c1 a1 c2 a2 c3 a3 डॉट डॉट cn an, व्हिच फॉलोस स्टूडेंट, तो c1 c2 c3 दीस आर कॉल्ड स्केलर्स। तो ये कैसे c1 कितना स्टूडेंट, c1 उसके हमारा 2, ये कैसे हमारा c1 उसके हमारा स्टूडेंट 2 और c2 उसके कितना स्टूडेंट 3, व्हिच वाला स्टूडेंट, और a1 a2, तो a1 a2 हमें u1 और u2 में जो ये वाला व्हिच वाला स्टूडेंट, ये को कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, है ना। चलो डेफिनेशन पर सर, लेट v इज अ वेक्टर स्पेस, v कौन स्टूडेंट व्हाट अ वेक्टर स्पेस, एंड s इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ v, व्हिच वाला स्टूडेंट v इज व्हाट अ वेक्टर स्पेस और s कौन व्हाट अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ v। A vector v belongs to V is a linear combination of S. Then there exists a finite number of vectors. So, we have finite number of vectors u1, u2, u3, dot dot un. Here we have example like u1, u2. So, direct vector is un and alpha 1, alpha 2, alpha 3, dot 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 alpha n. These are constant. So, V is equal to alpha u1, alpha u2, dot 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 alpha n, un. These are called linear combination. We first write. So, we have to call linear combination. कुछ फॉलो स्टूडेंट, सेम आवडे एग्जाम डेफिनेशन लिखा है जी, ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर इज अ सम ऑफ द सम स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सम स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर एस, कुछ फॉलो सम भी होचे, सम माने एडिशन भी होचे, मल्टीप्लिकेशन भी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होचे, कुछ फॉलो स्टूडेंट, ये होचे हमर कोना लीनियर कॉम्बिनेशन, है ना। तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर दियो, तो देखो स्टूडेंट तब हमरे क्वेश्चन करिया, तो कौन से चीज चेक दैट वेदर -18 15 16 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर a1 a2 a3, हेलो स्टूडेंट, हम बेटा यार लीनियर कॉम्बिनेशन अच्छी नहीं चेक करिया। तो देखो स्टूडेंट कैसे चेक करिया, वी नो द लीनियर कॉम्बिनेशन, तो लीनियर कॉम्बिनेशन का को फॉर्म लिख करिया स्टूडेंट, देखो v इज इक्वल टू हम को फॉर्म लिख सुना c1 a1 C2 A2 plus C3 A3, तो V given अच्छी कितना हम स्टूडेंट -18 15 और देख कितना स्टूडेंट 16 इज इक्वल टू C1 A1 A1 देख कितना स्टूडेंट -4 1 2 plus C2 कितना देख स्टूडेंट A2 A2 इलाके तो स्टूडेंट 2 1 0 plus C3 कितना देख स्टूडेंट 6 minus 3 minus 4. कुछ बोलो स्टूडेंट, चलो अब हमें कमेंट करिए, तो कमेंट करने के तो स्टूडेंट minus 4 C1 comma C2 C1 2 C1 कुछ बोलो स्टूडेंट, इधर भी तेरे मल्टीप्लाई कर दूँ ना 2 C2 इधर है ला C2 ये है ला तुम्हारा 0 plus कमेंट करो 6 C3 minus C3 minus C3 minus C3 minus 4 C3 अबे ऐड करो स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट एलिमेंट को सब ऐड करूंगा minus 4 C1 plus 2 C2
plus 6C3, comma. Second element, C1 plus C2 minus 3C3, comma. Third element, 2C1 plus 0 into C2. तो उसमें 0 अच्छी, तो 0 into C1. Third element सबको ऐड करो ची, 2C1 plus 2C2, 0C2 minus 4C3. Which one is correct? अबे आपको नहीं क्या कौन कर रहा है? Determinant सॉल्व कर रहे हैं. Which one is correct? तो हमें equation को कौन ची? हमारे एक पढ़े, लेकिन दबा minus 18, 15, comma 16. हैला? Now the system of equation is. तो system of equation क्या था student? Minus 4C1 plus 2C2 plus 6C3 is equal to kithu student? Minus 18. Next, C1 plus C2 minus 3C3 is equal to 15. Last, 2C1 plus 0 into C2 minus 4C3 is equal to 16. Which one is student? Ye hala system of equation. If we have a co-form to convert, we augmented form to convert to solve it. Which one is student? तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर दियो. तो फर्स्ट फ्रेंड तुम्हारे सिस्टम ऑफ इक्वेशन का को फॉर्म में लिखी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देली है ना. नाउ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax = b. a होस हमारा कोएफिशिएंट -4 2 6 -4 2 6 1 1 -3 1 1 -3 2 0 -4 2 0 -4 x which are going to be variables plus c1, c2, c3 and b which is outside variable minus 18, 15, 16 right? That will be co-formula which is augmented formula. So augmented formula is coefficient and output variable right? If you have a student, if you have a student, identity matrix formula represent identity matrix means 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 same formula represent c1, c2, c3 value calculate. So that's the student. So how do you do that? If you have 1, then you interchange R1 interchange R2 the question interchange for the Kamuchi. So R1 Javan 1 1 -3 you use number 15 yet all place like the -4 2 6 you which -18. Hello student. Next 2 0 -4 yellow 16. The first friend you want to be 0 by the conquer student row operation is for you. So R2 tends to R2 plus 4R1, R3 tends to R3 minus 2R1. Which one is correct? The property is correct. The property is correct. Solve for the first. To the first friend, to the left, which direct? To the key change over R2 over R3. The R1 as it is right over R1 will be 1, 1, minus 3. I will realize that 15. तब सॉल्व करें स्टूडेंट ये उस तो हमारा जीरो ये जीरो ये जीरो है ना. तब तो सॉल्व करें देखें स्टूडेंट तब सॉल्व करने के तो उसी तो सॉल्व करें तो नीचे चेक करेंगे तो हम लेते हैं डायरेक्ट वैल्यू डे है ना. तो हमारा वैल्यू ये उस स्टूडेंट माइनस ये उस तो हमारा 6 6 माइनस 6 तो दैट इज योर 42 42 माइनस 2 2 दैट इज योर माइनस 14. तो स्टूडेंट तो नीचे प्रॉपर्टी यूज करके चेक कर दे हेलो फ्रेंड. तो देखो स्टूडेंट तो इधर हमारा कौन गया 0 0 गया अबे 1 अबे हम कौन गया आपको 0 1 पर आ रही तो आपको 1 कैसे करवा R2 टेस्ट टू R2 बाय 6 हेलो. तो देखो स्टूडेंट तो टोटल R2 का 6 डिवाइड कर दो 6 डिवाइड कर 0 1 माइनस 1 ये है लगभग 7 अब एज इट इज 1 1 माइनस 3 15, 0, minus 2, 2, minus 14. Which one is friend? Well, friend, ये वाला अच्छी, मैं यक्को आपको 0 को लिया, मैं ट्राई कर रहा हूँ. यक्को जितने भी 0 को लिया, सिंपली माइनस कर दो. तो R1 tends to R1 minus R2, और R3 को कितने 0 करेगा? R3 plus 2R2. Which one is friend? तो चलो प्रॉपर्टी इस करेगा. तो R1 तो सिंपली माइनस कराया अच्छी. तो अंदर कुछ पढ़ R1 अच्छे R3 अच्छे तो R2 तो एक नहीं तो R2 को as it is पर लिख दो. तो 0 1 minus 1 ये हिला हमारा 7 इड़ा R1 minus R2 तो 1 minus 0 that is your 1 1 minus 1 that is your 0 minus 3
minus of minus 1, the plus 1, so that is your minus 2, 15 minus 7, so that is your 8, which one is friend? 0, 0, 0, let us solve the which is 0, let us solve the question, 2 plus 2 into minus 1, so that is your 0, right? Next question, next question, minus 14, minus 14 plus 2 into 7, so that is also 0, so that is also 0, which one is friend? So, we case with the पूरा एंटर आर 3 बाय 0 हो गया तो इक्वेशन को लिखो स्टूडेंट इक्वेशन को मैं लिख भी तो कहता हूं स्टूडेंट c1 प्लस c1 c2 0 तो माइनस माइनस 2 c3 इज इक्वल टू 8 वाला इक्वेशन आपकी ये c1 0 तो c2 माइनस c3 इज इक्वल टू 7 ये का इक्वेशन आता पूछो स्टूडेंट थर्ड का क्वेश्चन डी का इक्वेशन तो आपको डी का इक्वेशन तीन का वेरिएबल तो सॉल्व डायरेक्टली ही परिवनी तो अगर मैं गोटे को हमें फ्री वेरिएबल वाले कंसीडर कर रहा तो लेट c3 is फ्री वेरिएबल c3 को हमें फ्री वेरिएबल तो c3 को हमें 1 वाले कंसीडर कर लो मुझे फॉलो स्टूडेंट तो c1 minus 2 into 1 is equal to 8 तो c1 is equal to minus 2 से बोलो 8 plus 2 तो c1 is equal to हमारा 10 मुझे फॉलो स्टूडेंट नेक्स्ट c2 minus c3 which is 1 is equal to 7 तो c2 is equal to minus 1 सब लोग वाला तो that is your 8 तो हम फिर कितना स्टूडेंट फ्रेंड c1 वाला 10 c2 हो ची 8 और c3 हो ची 1 तो चलो स्टूडेंट ये है ना वैल्यू मैं तुम्हें आपको पुट करके एडिट चेक कर पाई हो अब जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फार्मूला पुट करके चेक कर पाई हो जिससे सेटिस्फाई करू छु देखो स्टूडेंट जब ये c1 c2 c3 एग्जिस्ट करू छी ताले हम कोन कहबे इट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन और जब ये c1 c2 c3 एग्जिस्ट करू नहीं इट इज नॉट अ लीनियर कॉम्बिनेशन व्हिच फॉर स्टूडेंट तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर दियो तो व्हिच फॉर स्टूडेंट प्लस c1 c2 c3 वैल्यू फाइंड आउट हो गेला वैसे c1 c2 वैल्यू को हम फाइंड पुट करके भी चेक कर परियो जोडा हम स्टार्ट करथिलु सला तले का स्टूडेंट इफ c1 c2 c3 एग्जिस्ट देन इट इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन यदि वैल्यू एग्जिस्ट करू छी ताले आपको कोन कहबे हमें लीनियर कॉम्बिनेशन आ यदि एग्जिस्ट करू नहीं ताले आपको कोन कहबे दिस नॉट अ लीनियर कॉम्बिनेशन व्हिच फॉर स्टूडेंट अब इट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखो द स्टूडेंट जीरो इज ऑलवेज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सेट ताले ऑफ अ वेक्टर बाय द स्टूडेंट v = 0 a1 0 a2 0 a3 0 an = 0 where c1 c2 c3 all are कौन 0 अब हम कुछ हम स्टूडेंट तो जीरो इज ऑलवेज लीनियर कॉम्बिनेशन तो ये केस में हमें को लीनियर इंडिपेंडेंट भी कह पे रहा है जोड़ा हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेगा लीनियर इंडिपेंडेंट है ना नेक्स्ट एनी वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इटसेल्फ व्हाट अ वेक्टर निजे निजे में लीनियर कॉम्बिनेशन ये देखो स्टूडेंट a1 इज इक्वल टू 1 into a1 तो 1 बिलोंग्स टू r 1 इज स्केलर a2 तो 1 into a2 तो 1 बिलोंग्स टू r तो सिमिलरली c1 c2 c3 डॉट हमें को ऑल आर कौन 1 तो आपको कौन पे लीनियर कॉम्बिनेशन भी कह पे रहा बुझ पाला स्टूडेंट ये थला तमरो लीनियर कॉम्बिनेशन रो वीडियो हला नेक्स्ट पार्ट रे हम लीनियर कॉम्बिनेशन आउ किसी क्वेश्चन करिवा तो सेति माय तो एति तो नोट डाउन कर दियो थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट।